हस्बैंड को सब्जी लाने के लिए मत ही गए, वो दो तीन किस्म के बैंगन ही लिए, परते वाले बैंगन, आलू बैंगन वाले बैंगन, भर के बनाने वाले बैंगन, इन्ने बैंगन कोई किदा खाएगा दोस्तों। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के अच्छे होने वाले हैं, आपको पता ही है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आके हमेशा अच्छे हो जाते हो। सो ये वाला लुक आपने ऑलरेडी देख लिया होगा मेरे चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। ये बहुत ही प्यारी सी लुक है ईद के लिए, एंड मैंने बहुत देर बाद मेकअप लुक क्रिएट किया है। थोड़ा बहुत मेकअप करती रहती हूँ मैं हर देर, पर ऐसे प्यारा तैयार नहीं हुई हूँ कितने समय से। सो हस्बैंड को दिखाते हैं और उनका रिव्यूज़ लेते हैं। उनके रिव्यूज़ काफ़ी जाली होते हैं, पर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ तो रिव्यू दें, पर पता नहीं उन्होंने फीलिंग आएगी कि नहीं, क्योंकि ये प्यारे सूट के नीचे मैंने पहना है गर्म पजामा। थैंक यू गाइस, कैन सी गर्म पजामा। क्या करें यार, ठंडा दिन है, अपने आप को बचा के भी तो रखना है। सो लेट्स गो, उनका रिव्यू लेते हैं, फ़ोन पे ही ले लेंगे क्योंकि। हे डैडी, हाउ अबाउट माय मेकअप, यू लाइक इट? बढ़िया रिव्यू नहीं है, बढ़िया हर यहां अखां मेरी जो डी नहीं व्यू नहीं बढ़िया, मेरा मेकअप जो बढ़िया है। ओ अखां भी हर यहां करी बैठी है यार, ये ईद आ ओ यार, ता है ईद नहीं, किदन ईद, ईद चेहरा पांदे आ ना कि ते सानू ही कोई हरा हरा के ते साग खवा दे। हां अच्छा, मैं भूखा हूं। दोस्तों कैसे हाल चाल है? और ये सो ईद का मेकअप लुक करने के बाद मैं खाने के लिए आई हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा था कि अगर तुम्हें समय मिलेगा तो कुछ खिला देना, पर उन्होंने ना कुछ खाधा ना मैनू खिलाया, मेरे तापड़े ढिड नाल ला गया भुख। ओके सो हस्बैंड ना इदा के व्डे व्डे बैंगन ला गया है चार पाँच। सो हस्बैंड को सब्जी लाने के लिए मत ही गए, वो दो तीन किस्म के बैंगन ही ले, परते वाले बैंगन, आलू बैंगन वाले बैंगन, भर के बनाने वाले बैंगन, इन्ने बैंगन कोई किदा खाएगा दोस्तों? इन्हें बैंगन खवा खवा के बैंगन ही बना देना सानू, कह रहे कि बाजार च कोई होर सब्जी नहीं है। मगर इदा कौन करता, बैंगन का भरथा, बैंगन के पकौड़े, बैंगन की सब्जी, भर के बैंगन, इदा बैंगन उदा बैंगन। सो हस्बैंड को मत भेजेंगा, कोई फायदा नहीं। बैंगन फेस्टिवल चल रहा है हम, मेरे गाइस मेरे खाने के लिए बैंगन का भरता है, बैंगन के पकौड़े बना रही हूँ, भरे हुए बैंगन बना रहे हैं जो फ्रिज में है, और अभी एक और बड़ा बैंगन बचा पड़ा है। सो यार ये बता रही थी कि हस्बैंड ने कुछ खिलाया नहीं है हमको, एंड हम बना रहे बैंगन के पकौड़े।
एंड फिर फुलका खाए। तो रोटी तैयार होगी, रोटी हम खाने वाले हैं सुखी। एंड मैंने आपको हस्बैंड की थाली दिखाई, पट्ठा है एंड बैंगन के पकौड़े एंड रोटी। सो पट्ठा तो बहुत अच्छा बना एंड एक और बैंगन यूज कर लेना चाहिए ही पट्ठे लिए। ओके था मैं स्टार्टिंग से बैंगन के पकौड़े बढ़िया। क्या आप भी अपनी किचन में खड़े होकर रोटी खाते हैं? मेरे वर्गी बेचारी गर्ल सारा दिन कुक कर और थोड़ा मुंडा लग गया दोस्त। ओके सो मैं आराम से बैठ के खाती हूँ, आपको थोड़ी देर में। ओके दोस्तों तो मैं आ चुकी हूँ ऑफिस में। मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के खाते हैं क्योंकि हस्बैंड मेरे ना गला नहीं करन दे एंड फिर मैं बोरू नहीं है क्योंकि मैं फ़ोन बहुत कट देखती हूँ रोटी खा लिया है। मैं सोचा नेटफ्लिक्स देखते हैं यहाँ पे कुछ एंड ये द इमैकुलेट रूम काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आज मैं सुबह से काम कर रही हूँ और थोड़ा रिलैक्सिंग का समय है, रोटी के बाद चाय पियेंगे एंड देन मैं और हिम्मत कुछ देख रहे थे। ओके सो मैं और हिम्मत कुछ समय स्पेंड करेंगे और आज डिनर में हम लोग पिज्ज़ा खाने वाले हैं क्योंकि आज हिम्मत प्राइज़ जीत गया है स्कूल से रीडिंग में। पहले बताऊँगी, पहले मैं खा लूँ, भूख लगी मैंने, हेडफोन लगा लूँ ताकि रोना ना पे खाने जाना। बुर्की लो, बैंगन के पकौड़े में चिपार लो एंड रोटी सूखी है उस पर मैंने कुछ भी लगा दी, चौकड़ी मारिए बैठ गई। ओके सो मैं डन हूँ एडिटिंग के साथ, ईद की मेकअप लुक मैंने एडिट की है एंड उसे आज ही अपलोड कर देंगे ताकि अगर आप वो मेकअप करना चाहें तो कर पाएँ। एंड अब मैंने ऑर्डर किया है डोमिनोज से पिज्ज़ा क्योंकि आज हिम्मत ना प्राइज़ जीत के आया है। उसकी ना स्कूल में क्विज थी कि स्टोरी रीड करनी है और उसके बाद टीचर ने सरप्राइज़ क्वेश्चन आंसर किए। जिन बच्चों ने स्टोरी सही तरह पढ़ी थी एंड क्वेश्चंस के आंसर दे पाए उन बच्चों को मिला है प्राइज़। और हिम्मत कह रहा था कि इस प्राइज़ को जीतने की खुशी में मुझे प्लीज़ पिज़्ज़ा खिला दो। मैं ठीक है सो पिज़्ज़ा लेने के लिए मैं जा रही हूँ पिकअप के लिए क्योंकि पिकअप पे डील है एंड आई लव डील्स। सो क्विकली पिक करके आता है, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, 15 मिनट में रेडी हो जाएगा, लेट्स गो। एंड तब तक जो मैंने वीडियो एडिट की है वो भी सेव हो जाएगी। सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मानसा के जवाहरपुर गांव में मूसेवाला की हत्या हुई है।
ਵੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ओके सो पिज्ज़ा हमने खा लिया है, क्विकली किचन को भी क्लीन कर दिया है एंड ऑल्सो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है ईद की मेकअप व्लॉग, काफ़ी समय मेरा उसमें चला गया, 9:30 हो गए हैं अब हम सोने के लिए जाने वाले हैं। सोने से पहले हम दोनों टीवी देखना चाहते थे मैं और अहमद, पर हस्बैंड बिजी है तो नहीं देख पाएंगे। एंड स्किन केयर करके मैं डायरेक्टली बेड पर जाने वाली हूँ क्योंकि कल भी मैं बहुत अच्छा सोई नहीं थी। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उस पर हम मैसेजेस एक दूसरे को कर सकते हैं ना, तो ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू आर अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वे आई कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। और ऐसा बच्चा है आपको तो उसको सीधा कर दें।